अमेरिका के भारत विरोधी लॉबी को मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया है। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने प्रमिला जयपाल मामले से अपने को अलग कर लिया है। अमेरिका के विदेशी मामलों के संसदीय समिति के प्रमुख ने प्रमिला को शामिल करने की जानकारी से इनकार किया है। प्रमिला के शामिल होने पर एक नया खुलासा किया है, जिसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर के मामले में भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, चाहे वो अमेरिका जैसा शक्तिशाली मुल्क ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों सामने आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिकी दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री से अमेरिका के सांसदों को मुलाकात करनी थी, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने उसमें शामिल होने वाली प्रमिला जयपाल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। प्रमिला जयपाल वही सांसद हैं जिन्होंने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश किया था। विदेश मंत्री ने मुलाकात करने से इनकार करते हुए कहा था कि मैं जयपाल के उस प्रस्ताव से वाकिफ हूं और मेरा मानना है कि ये जम्मू कश्मीर पर सही समझ को व्यक्त नहीं करता या भारत सरकार जो कर रही है उसे लेकर निष्पक्ष नहीं कहता। मुझे जयपाल से मिलने में कोई रुचि नहीं है, मैं केवल उन लोगों से मिलना चाहता हूं जिन्होंने पहले से कोई राय नहीं बना रखी है। विदेश मंत्री के इस इनकार के बाद अमेरिकी सरकार बैकफुट पर आ गई और फिर प्रमिला जयपाल का नाम सांसदों की उस सूची में शामिल किए जाने के बारे में पड़ताल करने लगी। और अब अमेरिका के विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख इलियट एंजल ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले सांसदों की सूची में प्रमिला जयपाल और अन्य दो लोगों के नाम शामिल करने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि जयशंकर से 18 दिसंबर को मिलने वालों में पहले सिर्फ न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एंगेल और रैंकिंग सदस्य माइक मैकॉल का नाम था, लेकिन बाद में अन्य लोगों का नाम इस सूची में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सूची में अन्य लोगों के नाम जुड़ने की जानकारी तब हुई जब यहां अमेरिका के भारतीय दूतावास ने शुरुआत में जिन नामों पर सहमति बनी थी उनमें हुए परिवर्तनों पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि लेकिन 18 दिसंबर की सुबह जब एंगेल को इसके बारे में पता चला तब तक उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी और उनके लिए कोई भी ऐसा कदम उठाना अनुचित होगा। भारतीय दूतावास ने विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य न होने के बावजूद प्रमिला का नाम जोड़े जाने की तारीखों पर नाराजगी जताई थी और इसके बाद अमेरिकी सरकार की ओर से ये बात सामने रखी गई कि नए नामों की जानकारी उनके विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख के पास नहीं थी। भारत ने अमेरिका को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले अमेरिकी सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया, उससे ये जाहिर होता है कि भारत अब किसी के सामने हथियार डालने वाला नहीं है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट हो चुका है कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।